चल वो बिलासपुर जहाँ पाछू दिन हुए डकैती, जो कांग्रेस नेता के घर डकैती हुई से तेमा नवा मोड़ आए। बता दिन कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले के घर डकैती मामला में नवा मोड़ आगू आए। कांग्रेस नेता टाकेश्वर अपने ही पार्टी के नेता प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण ऊपर शक जाहिर करे गए। तो बड़का अपडेट डकैती मामला में बता दिन कि अपने पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण ऊपर शक जारी करते हुए एसपी ने चिट्ठी लिखे है और ओकर से पूछताछ करे के मांग करे है। बता दिन कि बिलासपुर के मस्तूरी इलाका में दर्री घाट इलाका में पाछू दिन कांग्रेसी नेता टाकेश्वर पाटले के घर 7-8 बाइक सवार मन डकैती के घटना ला अंजाम देहरी से। महिला मन ला बंधक बना के लाखों रुपए लूट के फरार हो गई से। वही मामला में नवा मोड़ आए हैं। बता दें कि जांच के दौरान जमीनी विवाद के भी एक पहलू निकल के आ रही है, जिसे एसपी के कहना रही कि जमीन विवाद ला भी लेके ये घटना ला अंजाम दे जा सकते है। वही पॉइंट ला लेके जांच करे जाते हैं। वही ला लेके आज नवा अपडेट यह है कि जो टाकेश्वर पाटले है वो एसपी से मिल के जो अपने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण ऊपर शक जाहिर करे है और ओकर से पूछताछ करे के मांग करे है। बता दें कि 13 जनवरी के जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दर्री घाट के जो घर में टाकेश्वर पाटले के घर में दिन दहाड़े डकैत मन धावा बोल दे रही से, डकैत मन कट्टा के नोक में लूटपाट कर रही से, 2.5 लाख रुपए नगद और 2.5 लाख रुपए के गहना लूट के फरार हो गई से, जेकर फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई से। वही आधार में पुलिस जाँच में भी जुट गए और उमा 2 से 3 लोगन जो संदिग्ध है तेला हिरासत में भी लेके पूछताछ करे जावत है। तो इमा एक नया मोड़ ये है कि टाकेश्वर पाटले है अपने पार्टी के कांग्रेस प्रवक्ता ऊपर गंभीर आरोप लगा है, ओकरों से जांच करके बात करे है। तो डकैती हो रही से उमा लेके बड़का अपडेट, खुद टाकेश्वर पाटले पीड़ित है, खुद अपने ही पार्टी के प्रवक्ता ऊपर गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण से पूछताछ के मांग करे है। एसपी ला एकर पर चिट्ठी भी लिखे है। तो अभी पुलिस के कहना है कि एमा जांच जारी है, 2 लोगन ला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते, जल्द ही डकैत मन के ला पकड़ जा सके, इसे पुलिस के कहना है।